हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये क्लास 8 एनसीईआरटी की सीरीज मैथ की चल रही है, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 1.2 का अपना क्वेश्चन नंबर 7 और ये लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें कि हमें फाइंड करना है 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। 3/5 और 3/4 के बीच का 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले उसके लिए रूल होता है, आप दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए। तो सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसमें 4 है तो आप 4 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें 5 है तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए। तो आपका आ जाएगा 12/20 और इधर आ जाएगा 15/20। देखिए, लेकिन 12 और 15 के बीच में केवल दो ही रेशनल नंबर आते हैं, लेकिन आपको 10 निकालना है। तो इसको फर्दर फिर मल्टीप्लाई करेंगे, अब कोई बड़े नंबर से करेंगे। तो हम दोनों साइड 4 से कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी, इधर भी 4 से कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 48/80, इधर हो जाएगा 60/80। तो 48/80 और 60/80 के बीच का आप कोई भी 10 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखी हूँ 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80 एंड लास्ट वन इज 58/80। तो होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। अगर किसी बच्चे को और किसी भी क्लास की, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, वीडियोस, लेक्चर चाहिए, तो वो मुझे कमेंट करके भी बता सकता है। और किसी भी को भी नोट्स चाहिए, परचेस करना हो, तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है।